पुलिस फिर तैयार हो जाए, नए यूनिफॉर्म मिलेंगे नए रंग के साथ। पुलिस को पहले काली, फिर हरी और अब नीली वर्दी पहनाने का फैसला हो गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नए माली साल से पुलिस की वर्दी तब्दील हो जाएगी। नई वर्दी में डार्क ब्लू पैंट और लाइट ब्लू शर्ट होगी। कहते हैं नई वर्दी से पुलिस का सॉफ्ट इमेज उजागर होगा। कलर्स चेंज करने में जो उनकी साइकी थी कि आवाम के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये आवाम के ऊपर तो कलर्स का इम्पैक्ट पड़ता तो है, लेकिन अगर आप ये कहें कि कलर्स के जरिए से उनके एटीट्यूड्स में चेंजिंग आ जाएगी, किसी की पर्सनैलिटी को आप कलर्स के जरिए से चेंज नहीं कर सकते। रंगों की वजह से किसी के रवैये तब्दील नहीं किए जा सकते। हुकूमत को कलर्स की बजाय पुलिस के रवैयों पर काम करने की जरूरत है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुबशिर अहमद राह कहते हैं पुलिस का रवैया बदलना है तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और ड्यूटी के औकात चार समेत हफ्ते में एक छुट्टी को लाजमी किया जाए। पंजाब जो पुलिस है ना, हमें वर्दी से या कलर से कोई एतराज नहीं, हमें पंजाब पुलिस से एतराज है। ये किसी भी कलर में हो, किसी भी वर्दी में हो, ये हमें अच्छी नहीं लगती। कारकर्दगी से बंदा पहचाना जाता है। पुलिस अगर अपनी ईमानदारी के साथ कारकर्दगी को बढ़ाए तो आई थिंक के उस पर फोकस रखे तो वो काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो वैसे देखा बस वर्दी का मुझे लगता है चेंज हो रही है, बकाया रवैया उनका वही एक ही है। पुलिस यूनिफॉर्म का नया रंग नीला, रंग नीला हो या पीला, पुलिस वालों का जो काम है वो उनसे करवाया जाए, पंजाब अमन का गहवारा बन जाएगा। जनूबी पंजाब के शहरी कहते हैं कि यूनिफॉर्म को तब्दील करना खजाने पर बोझ डालने के मुतरादिफ है। उधर पुलिस अहलकार फैसले से मुतमईन, बोले नई वर्दी से आवाम के जहन में भी तब्दीली आएगी। इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म आंखों भी लुभाती है, बहुत अच्छा कलर भी है, उनका डिजाइन भी बहुत अच्छा है और आवाम के साथ रबते में मेरा ख्याल कहता है कोई तब्दीली ऐसे होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट बेहतर सोच रही है। लिबास जो है वो मैन किरदार अदा करता है किसी भी इंसान की शख्सियत में, नुमाया किरदार होते हैं, इंशाल्लाह जरूर तब्दीली आएगी। मुल्तान में सफाई मुहिम शुरू करें, लैंडफिल साइट्स और कलेक्शन प्वाइंट मुख्तस करें। डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का इजलास। मुदस्सर राज मालिक ने एक यूसी को मॉडल बनाकर सफाई का ठेका देने की मंजूरी दे दी। नई लैंडफिल साइट्स और कलेक्शन प्वाइंट मुख्तस करने का भी हुक्म। मीटिंग पर मीटिंग, जमीनी हकाई कुछ और, MWMC के सफाई के दावे हवा हो गए। मुल्तान की मेन शाहराहें कचरा कुंडी में तब्दील। डबल फाटक का शहबाज शरीफ पार कूड़े करकट में छुप गया। तापुन से शहरियों का सांस लेना दोभर, कहते हैं महीनों कूड़ा करकट नहीं उठाया जाता। इलाके में मुतअद्दिद अमराज फैल रहे हैं। तिबी रुख्सत के नाम पर मौजें खत्म, मरीज को 15 रोज से ज्यादा मेडिकल रेस्ट देने पर पाबंदी। रुख्सत देने से मुतालिक नई गाइडलाइन, महकमा सेहत पंजाब का मराफा जारी। मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो या शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज़, पाकिस्तान का हर सिपाही शहादत के लिए हम वक्त तैयार। रहीम यार खान ने डाकुओं के फायरिंग से शहीद होने वाले दोनों अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। DC जमील अहमद जमील, सेक्टर कमांडेंट रेंजर इस्माइल खटक समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। उधर अहलकारों की आबाई इलाकों में तस्वीर, पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रहीम यारखान के इलाके गिदपुर में दो अहलकारों की शहादत। वजीर आला उस्मान बुज़दार की शहीद अहलकारों के लवाहिकीन से इजहार ताज़िया। DPO रहीम यारखान से रिपोर्ट तलब कर ली। साथियों का खून रायगा नहीं जाने देंगे, पुलिस का आज़्म। कानपुर में डाकुओं की तलाश में ऑपरेशन का आगाज। शहादत के वाकये का मुकदमा थाना जाहिरपीर में दर्ज। कत्ल, एग्जाम कत्ल, पुलिस पर हमला और दहशतगर्दी की दिफात शामिल।
आप कानून बनाते रहें, हेलमेट पहनूं या ना पहनूं, मेरा सर मेरी मर्जी। पुलिस ने चालान करना कम किए, पेट्रोल पंप मालिकान भी बगैर हेलमेट पेट्रोल फराहम करने लगे। मुल्तान की इंतजामिया ने भी चुप साथ ली। नीम हकीम खतरा जान, अताई के हाथों एक और कीमती इंसान जाया हो गई। सनावा में अताई के मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगाने से खातून जान बहक। बुरसा का सनावा रोड बंद करके अताई के खिलाफ एहतजाज, पुलिस की कार्रवाई जारी। बल्दियाती इदारों के लिए अच्छी खबर, हुकूमत से प्रॉपर्टी टैक्स का शेयर मिल गया। मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर कमेटियों को 1,56,64,00,000 से ज्यादा की ग्रांट मौसूद। जिला काउंसिलर लोधना, विहाड़ी, खानीवाल, मुजफ्फरगढ़, लैया, बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यारफान को भी ग्रांट जारी। कमेटी तो बनाई पर कार्रवाई कौन करेगा? गैर कानूनी और बिना नक्शे तामीरात के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान की कमर्शियल बिल्डिंग स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल। दो माह कबल बनाई जाने वाली कमेटी एक भी नक्शे की जांच पड़ताल ना कर सकी, मेयर मुल्तान मायूस। किराया अदा ना करने पर सरकारी महकमों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम के जिम्मे 2,34,87,000 रुपए वाजिबल अदा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डीजी खान ने व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम का दफ्तर सील कर दिया। कसूरवार कौन? जिक्रिया सेंटर मुल्तान एक बार फिर सील करके खोल दिया गया। ताजरों ने एहतजाज करके महकमे को दुकानें डी सील करने पर मजबूर कर दिया। एमडीए मुल्तान का ताजरों को फिर से नीलामी में हिस्सा लेने का हुक्म। तब्दीली सरकार के इकदाम से मुल्तान के इदारों की वर्किंग मुतासर। 3.5 करोड़ माहाना हुकूमती सब्सिडी बंद होने से वास्ता माली बहरान का शिकार। बल्दियाती इदारों के टेंडर मंजूर न होने से तरक्याती काम रुक गए। यूसिस को भी माहाना ग्रांट खर्च करने से रोक दिया गया। बहावल नगर रेलवे स्टेशन 15 साल बाद भी बहाली का मंतजर। हुकूमत ने समासटा से बहावल नगर तक ट्रेन चलाने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के बावजूद ट्रेन नहीं चलाई जा सकी। स्टेशन बहाल न होने से इमारत में वीरानी के साथ। मुल्तान इंतजामिया की अदम तवज्जोही से पार लूम्स इंडस्ट्रीज अबू हाली का शिकार। धागे की डाइंग गैस की बजाय लकड़ी जलाकर होने लगी। वर्कर्स ने कहा कि गैस पर पूरा हफ्ता काम चलता था, अब हफ्ते में 3 रोज काम होता है। हुकूमत बिलासातू गैस फराहम करे। हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। मुल्तान एयरपोर्ट फजाई आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। अगले 12 घंटों में ऑपरेशन मामूल के मुताबिक हो जाएगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार के वारिस का एहसान इकदाम। रिक्शा ड्राइवर और पुलिस ने सुलह करवा दी। पुलिस के तंग रवैये पर रिक्शा ड्राइवर एहतजाज कर रहे थे। वजीर आला पंजाब के वारिस की पुलिस को तंग न करने और ड्राइवर को मुकम्मल कागजात पास रखने की भी तलकीन। जरताज गुल की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। शजरकारी मुहिम समेत दीगर अहम मामलों पर तबादला ख्याल। कमिश्नर मुल्तान इमरान सिकंदर बलोच का ई सेंटर का दौरा। सेंटर के तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उधर डीसी डीजी खान का टीचिंग अस्पताल समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा। इकबाल मजर महार का आवामी खिदमत सेंटर का काम 10 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। डीसी लैया बाबर बशीर का लैंड रिकॉर्ड सेंटर फतेहपुर का दौरा। सेंटर के मुख्तलिफ काउंटर्स का मुआयना किया। शहरियों के मसाइल सुने। यूनियन सेक्रेटरी का काम बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनाना नहीं, तामीर और तरक्की और अवामी सहूलत सेक्रेटरी की असल जिम्मेदारी है। डिप्टी कमिश्नर रहीम यारफान, जमील अहमद जमील की जिला महकमों और यूसी सेक्रेटरी को हदायत। कर्जा लेने का दावा क्यों किया? जालिम शोहर आग बगोला होकर आपे से बाहर। खानेवाल में बीवी और दो बच्चों को सामान समेत घर से बाहर निकाल दिया। माँ और बच्चे बेआसरा खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कानून के रखवाले भी खामोश तमाशाई बन गए। चिश्तियां नवाही इलाका 10 फुटवाह के करीब डकैती की वारदात। डाकू कार सवार से 6 लाख छीन कर फरार।
ناجائز اثاثے بنانے کا الزام ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاولپور عمران رضا باسی کا نائب تحصیلدار صادق آباد کے خلاف ریگولر انکوائری کا حکم کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں تربیتی پروگرام شرکا کو پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف امور پر آگاہی دی گئی حکومت نے کوٹردو ویٹرنری ہسپتال میں مرغی پال سکیم کا افتتاح کر دیا 150 افراد میں مرغیاں تقسیم کی جائیں گی ڈاکٹر عبدالحمید چودھری کہتے ہیں کہ 1200 روپے میں 5 مرغیاں اور 1 مرغا دیا جائے گا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قاری سید عبدالقدیر شاہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال مرحوم کا نماز جنازہ کل صبح 10 بجے محمود پارک احمد پور سڑکیا میں ادا کیا جائے گا ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں افواج پاکستان کے حق میں ریلی ڈیرہ غازی خان میں وابٹہ ہائیڈرو یونین کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی شرکا نے کہا کہ بھارت اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز رہے ورنہ ناکو چنے چپوا دیں گے اور سینٹ میری کانوینٹ سکول ملتان میں تقریب تقسیم انعامات پوزیشنز لینے والے طلبا طالبات کو میڈل دیے گئے بچوں کی جانب سے ملی نغموں پر خوبصورت پرفارمنس پیش کی گئی بہترین ٹیچر کو بھی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا